हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएट हैप्पी लाइफ। देखो, हस्बैंड वाइफ जिंदगी के साइकिल के दो पहिए हैं। जब दोनों साथ होती है तो साइकिल बहुत अच्छी चलती है, पर अगर एक पहिए से जिंदगी चलाने की सोचे तो बच्चे जो इस साइकिल पे सवार होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा चोट आती है। आज आपको एक हस्बैंड वाइफ की प्यार भरी कहानी बताती हूँ। ऐसे पत्नी ने अपने पति का प्यार चेक किया। किसी समय की बात है, एक औरत को शादी के कई साल बाद ये ख्याल आया कि अगर वो अपने पति को छोड़ के चली जाएगी तो उसका पति कैसा महसूस करेगा, क्या वो उसे मिस करेगा। अब ये उधेड़ बुन उसके दिमाग में चल रही थी। उसने एक कागज लिया और उस पर लिखा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं इस जिंदगी से ऊब गई हूँ और मैं तुम्हारा ये घर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। अब उसने वो लेटर टेबल पे रखा और अपने पति के आने का इंतजार करने लगी। जब पति के आने का ऑफिस से टाइम हुआ तो उनका रिएक्शन देखने के लिए वो बेड के नीचे छुप गई। पति आया, बेल बजाई, नॉक किया, कुछ नहीं हुआ। अब पति ने अपनी चाबी से घर का दरवाजा खोला, देखा अंदर कोई नहीं है। पति ने देखा टेबल पे एक लेटर लिखा हुआ है। उसने उठाया और वो लेटर पढ़ा। कुछ देर बिल्कुल साइलेंस के बाद उसने लेटर के नीचे कुछ लिखा, फिर वो खुशी से सीटियां बजाने लगा, गाने गाने लगा, डांस करने लगा, बढ़िया से कपड़े बदले और उसने किसी को फोन लगाया और फोन पे बोला, डार्लिंग आज मैं फ्री हो गया हूं, मेरी बेवकूफ पत्नी को समझ में आ गया कि वो मेरे लायक नहीं है, अब वो मेरे घर से हमेशा के लिए चली गई है, अब मैं पूरी तरह आजाद हूं, तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर आ रहा हूं, जल्दी से तुम भी मेरे पास आ जाओ, मेरे घर के सामने वाले पार्क में मिलते हैं। अब कपड़े बदल कर पति बाहर चला गया। पत्नी जो बेड के नीचे से सारी बातें सुन रही थी, आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। जिस इंसान को इतना प्यार किया उसका कहीं अफेयर चल रहा था, वो मेरे जाने से इतना खुश था। उसने कांपते हाथों से उस लेटर को उठाया, उसमें कुछ लाइंस लिखी हुई थी। उसमें लिखा हुआ था, पगली, बेड के नीचे से तेरे पैर दिख रहे हैं, पार्क के सामने वाली दुकान से सिगरेट लेने जा रहा हूं, तब तक चाय बना के रखो। यही है पति पत्नी का प्रेम। दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। दो लाइंस पति की कलम से, प्रिय लिख कर नीचे लिख दूं नाम तुम्हारा, कुछ जगह बीच में छोड़ दूं और लिख दूं सदा तुम्हारा, लिखा बीच में क्या ये तुमको पढ़ना है, कागज पर मन की परिभाषा का अर्थ समझना है। बहुत गहरी लाइनें हैं, उम्मीद करती हूँ इन लाइंस का मतलब, इस स्टोरी का भाव आप समझ गए होंगे। अगर ये स्टोरी, ये इंसिडेंट पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भूलना मत। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।